हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है सनी सोहल और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने जो फ्रेम्ड आर्टबुक्स होते हैं वो मैं कैसे सेफली पैक करता हूं पार्सल करने के लिए। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी, तो ये वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक मटेरियल्स जिससे हम इसको पैक करेंगे। तो ये तो हमारा आर्टबुक हो गया, इसको हम रखते हैं एक साइड। और ये बेसिक टेप जो कि ऑब्वियस है, यूज़ होगी ही। ये है न्यू वुड कार्डबोर्ड। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं कौन सा कार्डबोर्ड यूज़ करता हूँ, तो ये आपको फिर बताता हूँ कि ये न्यू वुड कार्डबोर्ड है। आपको इसकी शीट 8x4 फीट की किसी भी प्लाईवुड वाली शॉप से मिल जाएगी। और ये है थर्मोकोल की शीट जिसको हम चग भी कहते हैं। तो इसके मैंने दो पीसेज लिए हैं, एक 1 सेंटीमीटर का और एक 1 इंच का। 1 सेंटीमीटर वाला हम इसके बेस में लगाएंगे आर्टवर्क की बैक साइड, और जो 1 इंच वाला है वो उसके आर्टवर्क के ऊपर लगाएंगे ताकि थोड़ी सी ज़्यादा सेफ्टी मिले उसके अपर साइड को। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको इसकी जो थर्मोकोल की शीट है आपको बिल्कुल आर्टवर्क के फ्रेम के साइज़ की इसकी कटिंग करनी है। तो आप यहाँ से इसके ऐसे निशान लगा सकते हो, मार्किंग वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ। और इसी के साइज़ के आपने एक पीस यहाँ का निकालना है और एक पीस निकालना है 1 इंच वाली का, और आप इस कटर का यूज़ कर सकते हो इसको काटने के लिए। तो ये करके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों पीसेस कट हो गए 1 इंच के और 1 सेंटीमीटर के। अब हम इसको फ्रेम के साथ अटैच करेंगे। इन दोनों को अटैच करने के बाद हम बाकी का प्रोसेस आगे आपको बताते हैं क्या क्या करना है। तो इन दोनों को आप अटैच कर सकते हो सिंपल इस टेप से। तो ये भी आपको करके दिखाता हूँ। आपको इसकी जस्ट पोजिशनल सेटिंग करनी है सो दैट कि ये आपके जो थर्मोकोल हैं वो अच्छे से इसके साथ फिट हो जाए और कहीं दूसरी तरफ निकले ना। तो ये सब करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके जो एंड्स हैं, ये साइड मतलब कि ऑल ओवर साइड्स जो भी हैं वो भी आपको कवर करनी है थर्मोकोल से, सो दैट कि ये जो इसका सिरा है किसी और के साथ जब शिपिंग वगैरह हो रही हो तो कहीं और टकरा के ये डैमेज ना हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, तो इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे, वो भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो जो पीसेस हमने पहले कट किए थे उनमें से जो 1 सेंटीमीटर वाला जो पीस है ये वाला, इसको इस तरीके से इसके लगा लेंगे। इन दोनों साइड्स तो इसमें कवर हो जाएंगी इस पीस से, बाकी जो इसके ये वाली साइड्स हैं दूसरी साइड्स वो हम इस पीस से कवर करेंगे। और अब इसको कवर करूँगा मैं इस न्यू वुड से। इन दोनों को यूज़ करने का रीज़न ये है कि एक तो जो आपका ये थर्मोकोल शीट है ये आपको एक थोड़ा सा बाउंसिंग इफेक्ट देगा, अगर नीचे गिर भी जाए तो एक बाउंसिंग इफेक्ट के कारण ये सेफ रहेगा हमारा नीचे अंदर वाला फ्रेम। बट अगर देखा जाए तो ये इसकी स्टिफनेस ज़्यादा नहीं है, इसके अगर कुछ भी लगेगा तो ये ईजिली उसको टेयर कर सकता है। तो इस थर्मोकोल शीट को एक्सटर्नल किसी भी फोर्सेज से बचाने के लिए या फिर किसी भी डैमेज से बचाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ न्यू वुड कार्डबोर्ड। तो अभी आपको सिंपली इस फ्रेम के साइज़ के पीसेस कट करने होंगे इस न्यू वुड के। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग वगैरह कर लेते हैं यहाँ से, इसको पहले पोजीशन कर लें, एंड टू एंड पॉइंट इसके मिला लें और इसकी मार्किंग करते हैं। ये हो गई और इसका ये पॉइंट ले लिया हमने एंड ये पॉइंट, तो पॉइंट हमने ले लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और एक यहाँ की एक लंबी स्ट्रिप हम कट करेंगे, और इसके दो पीसेस करने हैं, एक यहाँ का हो गया ये यहाँ का हो गया, और सो दैट इसका जो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन है वो दोनों अच्छे से कवर हो जाएं। तो उसको करते हैं कट अप।
आपको अभी जैसे इस कार्डबोर्ड की पोजीशन लॉक करनी है इस फ्रेम के साथ, और पोजीशन लॉक करने के बाद हम जब इसके स्ट्रिप्स वगैरह लगा लेंगे उसके बाद हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे टेप के साथ, तब आपकी पैकेजिंग कंप्लीट होगी। तो इसको जस्ट लॉक करना है जैसे हमने नीचे थर्मोकोल को लॉक किया था इसके साथ। तो फ्रेम हमारा दोनों तरफ से अच्छे से लॉक हो चुका है। बाय द वे, वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा टेप्स लगानी, बट वो लगानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आपने जब भी इसको टेप करना ना तो दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से आपने जब टेप करना है तो थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके करना है, सो दैट अंदर वाला जो इसका फॉर्म है वो अच्छे से कंप्रेस हो जाए, और वो कंप्रेस होना ज़रूरी है नहीं तो आपका पार्सल थोड़ा सा ढीला रहेगा। तो अभी इसके बाद हम जो ये वाली स्ट्रिप्स हैं इसको हम कट करेंगे, इसके साइड पर लगाएंगे। तो ये चारों स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए हैं, अब इसको एक एक करके हम इसके साथ लगाएंगे। और इसको जब लगाना है इसके साथ तो आपको बिल्कुल टाइटली इसको रैप करना है टेप के साथ, उसके बाद हम फाइनल टेपिंग करेंगे इसको। तो इसके सभी एंड्स पे टेप लगाने के बाद अब हमें इसको टाइटली रैप कर सकते हैं अपनी टेप के साथ। तो अब हमें फाइनल इसकी रैपिंग करनी है, तो ये बिल्कुल अच्छे से एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और ये जो इसकी जो लचक है ये थोड़ी सी ढीली लग रही है, तो ये भी अच्छे से आपको रैप करनी होगी। तो ये लीजिए हमारा पार्सल अभी बहुत अच्छे तरीके से इसको पैक हो चुका है, हमने इसको सारी तरफ से अच्छे से इसके टेप बाउंड वगैरह कर दिए, और आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा अभी भी ना बाउंसिंग इफेक्ट है ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने थर्मोकोल शीट यूज़ की थी। और इससे जो हमारा हमने जो कार्डबोर्ड यूज़ किया है इससे इसकी स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो जिस मर्ज़ी तरीके से इसको हैंडल करे जाए, जिस मर्ज़ी सर्विस से आप इसको पार्सल कीजिए, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपका जो फ्रेम है बिल्कुल अच्छे से सेफली डिलीवर होगा। और अभी आप इस पर अपना टू और फ्रॉम वगैरह कर सकते हो जिस जगह भेजना है आपको, और ये आपका पार्सल रेडी है और बिल्कुल सेफ तरीके से आप इसको पार्सल कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने ये चलो पैक तो कर लिया, लेकिन अभी इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना आ रहा है? लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी टॉप 3 कुरियर सर्विस वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का तरीका क्या है। तो अगर अभी आपने पार्सल करने जाना है तो आपको अंदाज़ा नहीं कि इसके पैसे कितने लग सकते हैं, तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो घर पे ही इसका वेट वगैरह निकाल के। तो वैसे तो मुझे पता है कि इसका एक्चुअल वेट कितना आ रहा है जो मशीन पर डाल के हम वेट वगैरह चेक करते हैं, अगर वो वॉल्यूमेट्रिक वेट में अगर लें इसको तो उसका वेट कैसे आएगा, ये मैंने सारी इसकी साइज़ वगैरह मैंने नोट कर ली है L×B×H। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह है कि 37 इसकी लेंथ है, 27 इसकी विड्थ है, एंड 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, डिवाइड बाय 5000। तो ये लीजिए आपका वेट भी 1 kg आ गया। तो अगर अभी आप इसको पार्सल कराने जाओगे तो 1 kg के हिसाब से वेट लगेगा, अगर 150 पर kg वो वेट के हिसाब से लगाते हैं तो 150 लगेंगे इसके, वैसे डिपेंड भी करता है किस लोकेशन में आप भेजने हो। एक और बहुत ज़रूरी चीज़, आपने जब भी फ्रेम करवाना है आपको फ्रेम में ग्लास की जगह ये एक्रेलिक शीट यूज़ करनी होगी। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। वेल, ये जो शीट है ये एक्रेलिक शीट है और इसकी थिकनेस 2 या 2.5 mm की होती है, और इसमें और ग्लास में ये फ़र्क होता है कि ग्लास ईजिली ब्रेक हो जाता है, वो ब्रिटल होता है, जबकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप इसको जैसे मर्जी तरीके से इसको मोड़ सकते हो और ईजिली ब्रेक नहीं होती। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप जब भी इसके ऊपर आप फिंगर ज़रा लाओगे, हाथ लगाओगे, तो ये परमानेंट स्क्रैचेस इसके ऊपर पड़ जाते हैं और वो विजिबल होते हैं बाद में। तो ध्यान यही रखो कि आपने जब इस चीज़ से फ्रेम करवाया है अपना आर्ट वर्क को, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा हाथ मत लगाइए। आपने जैसे फ्रेम करवाया उसी वक्त आप घर पर लेके आके उसको पैक कर दीजिए आराम से। वेल, इसमें और ग्लास में एक और डिफरेंस होता है, वो होता है इन दोनों के प्राइजेस का। अगर आपका A3 का ग्लास वाला फ्रेम आपको 300 rupees में पड़ रहा है, तो आपको ये एक्रेलिक वाला फ्रेम आपको 350 rupees में पड़ेगा। तो ये ग्लास वाले फ्रेम से 50 rupees महंगा होता है, और शिपिंग में मिनिमम चांसेस होते हैं इसके ब्रेक होने के, जबकि ग्लास में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ एक्रेलिक शीट वाला फ्रेम ही आप अपने क्लाइंट को पार्सल कीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा, और अपने आर्टवर्क को कैसे सेफली पैक करना है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अगर आपके इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे इस वीडियो के अंडर कमेंट कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप मुझे DM के थ्रू कोई भी सवाल वगैरह पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। वी विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।